मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा में पेपर लीक के आरोप का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने इसे व्यापम 3 को छिपाने की तैयारी बताया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, सरकार ने व्यापम का नाम तो बदल दिया लेकिन घोटाले अभी भी जारी है। इस बीच प्रदेश में बवाल मच गया है, शिवराज सरकार चौतरफा घिर गयी है। मध्य प्रदेश में रह रहे कश्मीरी पंडितों को लेकर राज्य सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। मिश्रा ने सोमवार को कहा कि अगर विस्थापित कश्मीरी पंडित अपने गृह प्रदेश में जाना चाहते हैं तो सरकार उनकी मदद करेगी। ये बात उन्होंने कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा के एक बयान के जवाब में कही, जिसमें उन्होंने कहा था कि विद द कश्मीर फाइल्स फिल्म नहीं देखेंगे। छतरपुर के लवकुश नगर में एग्जाम के दौरान एक निजी कॉलेज में बड़ा हादसा हो गया। कॉलेज से लगे पत्थर के कारखाने की बाउंड्री वॉल गिरने से 2 छात्रों की मौत हो गई, जबकि 4 की हालत गंभीर घायल है। घायलों को लवकुश नगर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। हादसा लवकुश नगर के आरके कॉलेज में हुआ। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में निर्माणधीन सहस्त्र शिवलिंग मंदिर के पास देश का सबसे बड़ा 37 क्विंटल का महाघंटा स्थापित किया गया। संभवतः यह दुनिया का सबसे बड़ा वजनी घंटा है। 36 लाख रुपए की लागत से बने इस घंटे को 10 कारीगरों की टीम ने रातों रात मेहनत कर तैयार किया है। इंदौर की रंगपंचमी की गैर यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहरों में शामिल करने के लिए जिला प्रशासन ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। दरअसल कोरोना काल के कारण 2 साल से गैर नहीं निकाली जा सकी थी। इस बार गैर फिर निकली और 5,50,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड करें।